वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दी वेव, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है और अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। ये मूवी नॉर्वे में हुए एक बहुत बड़े हादसे के बारे में है। तो आइए देखते हैं क्या है इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि न्यूज चैनल्स में जनवरी 15, 1905 को आए रॉक स्लाइड से खबर दिखाई जा रही है। ये रॉक स्लाइड नॉर्थ फ्यूजॉर्ड के लोडल लुयोन में हुआ था, जिसमें आई भयंकर सुनामी में 63 लोगों की मौत हुई थी। नॉर्वे में आज भी 300 से ज्यादा पहाड़ स्थिर हैं। आगे बताते हैं कि वेव लुहान से गुजरी है और जब जमीन से टकराई तब तकरीबन 40 मीटर ऊंची उठी थी। नॉर्थ फ्यूजॉर्ड रॉक स्लाइड को 58 साल हो चुके हैं और फ्यूजॉर्ड में एक पहाड़ के गिरने से 40 लोगों की मौत हुई है। गी रेंजर के निवासियों पर हमेशा ही ये खतरा रहता है कि फ्यूजॉर्ड में अकर्सनेट नाम की एक विशालकाय पहाड़ है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और कभी भी गिर सकता है। अगले सीन में क्रिश्चियन अपने घर जाता है, जहां उसकी बेटी जूलिया किचन में कुछ कर रही होती है और उसकी बीवी इडॉन सिंह ठीक कर रही होती है। व्रेंच मंगाने पर वो गलत टूल दे देता है और प्लम्बर बुलाने की सलाह देता है, पर फिर उसका बेटा सौंदर इडॉन को व्रेंच पकड़ाता है और सिंह ठीक हो जाती है। क्रिश्चियन कहता है कि ये दिक्कतें उनके नए घर में नहीं होंगी। वो अपार्टमेंट एकदम ब्रांड न्यू है और बालकनी से पूरा शहर दिखता है और वहाँ सब कुछ रिमोट कंट्रोल है। इडुन किचन में पैकिंग कर रही होती है, तब क्रिश्चियन उसके पास आता है और अपनी पुरानी शर्ट को फेंक देने के लिए पूछता है। इस पे इडुन कहती है कि वो सूट और टाई भी लेंगे और क्रिश्चियन अब से वही पहनेगा, क्योंकि वो लोग एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद क्रिश्चियन इडुन को उठा के किचन के प्लेटफॉर्म पर बिठा देता है और वो किस करने लगते हैं। तब तक सौंदर्य वहाँ आ जाता है और उन्हें किचन में ये सब करने से रोकता है। अगले सीन में क्रिश्चियन अपने ऑफिस जाता है और पहाड़ के मोमेंट्स को देखता है, जो नॉर्मल होते हैं। इसके बाद उसके कलीग उसे फेयरवेल पार्टी देते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन अपना सामान अपने कैबिन से पैक कर रहा होता है कि तभी अलार्म बजने लगता है। कंट्रोल रूम जाने पर उसे बताया जाता है कि शायद से नंबर 4 और नंबर 5 में ग्राउंड वाटर भर गया है और उनका कॉन्टैक्ट टूट गया है। क्रिश्चियन कैमरा दिखाने को बोलता है और पूछता है कि क्या वहाँ और कोई मोमेंट था या नहीं, जिस पे उसके कलीग उसे बताते हैं कि कोई मोमेंट नहीं था और कनेक्शन भी स्टेबल है। वो कहता है कि वो जाके पता कर लेंगे और क्रिश्चियन से बोलता है कि पहाड़ बिल्कुल शांत है, वो चिंता ना करे, यहाँ सब कंट्रोल में है और अपनी पैकिंग करे। नेक्स्ट सीन में क्रिश्चियन अपने घर में होता है और लैपटॉप से पहाड़ के मोमेंट्स को देख रहा होता है। इधर इधुन सौंदर और जूलिया तीनों ही पैकिंग में लगे होते हैं और सौंदर के कहने पर इधुन क्रिश्चियन से कहती है कि उसे पैकिंग करनी चाहिए और पहाड़ की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो अब उसका काम नहीं है और ये पहाड़ अगले 1000 सालों तक अपनी जगह पर बना रहेगा। क्रिश्चियन इधुन की बात मान करके सामान रखवाने में मदद करता है। फिर वो अपने बेटे को नदी किनारे बैठा देख उसके पास जाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। सौंदर कहता है कि ग्री रेंजर भले यूनिवर्स का सेंटर ना हो, पर ये बेहद सेफ जगह है। क्रिश्चियन समझाता है कि उसने और इधुन ने परिवार की भलाई के लिए ये निर्णय लिया है। इस पे सौंदर कहता है कि ये पूरा देश ही पहाड़ों से भरा हुआ है, वो लोग कब तक एक जगह से दूसरी जगह भागते रहेंगे। नेक्स्ट सीन में क्रिश्चियन लोग को जाते वक्त उनके पड़ोसी उन्हें अलविदा करने कहते हैं। तब इधुन उन्हें बताती है कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो बाद में जाएगी और अभी फिलहाल उसके अलावा बाकी सब जा रहे हैं। इसके बाद क्रिश्चियन अपने दोनों बच्चों के साथ निकल जाता है, पर उसके दिमाग पहाड़ों में ही लगा होता है। क्रिश्चियन बीच सड़क पर रुक जाता है, फिर पीछे से गाड़ियों के हॉर्न बजने पर अचानक गाड़ी घुमाता है और अपने ऑफिस चला जाता है। वो वहाँ जाके उनसे कहता है कि उसे उन्हें कुछ दिखाना है। इधर इधुन होटल ग्रेंजर पहुँचती है, जहाँ वो एक रिसेप्शनिस्ट है। वो अपनी कलीग विवेक को बताती है कि उसके परिवार वाले चले गए हैं और शायद अब तक फेरी में बैठ भी गए होंगे। वहाँ मरिया और फिलिप फॉल्सन दो टूरिस्ट रूम लेने आए होते हैं। नेक्स्ट सीन में क्रिश्चियन अपने कलीग को बता रहा होता है कि इमेजिन करो सेंसर्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके नीचे वर्गे वायर्स में है। वो कहता है कि माउंटेन्स की प्लेट में बोरवेल लगा है और जब कॉन्टैक्ट टूटा तो ग्राउंड वाटर गायब हो गया था, पर ऐसा नहीं होता, पानी गायब नहीं हो सकता। वो नई लेयर्स में घुस जाता है, जिससे लेयर्स मूव करने लगती हैं और अगर ये ज्यादा हुई तो वायर्स डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इस पे जेकब कहता है कि वो नए गड्ढे करके दूसरे सेंसर लगा सकते हैं। क्रिश्चियन बताता है कि ऐसा करने पर माउंटेन्स पे वेट बढ़ेगा और रॉक साइड आने से पहले पता भी नहीं लगेगा, उन्हें कोई वार्निंग भी नहीं मिलेगी। अगले सीन में जेकब और क्रिश्चियन हेलीकॉप्टर से अकस्नेट पहाड़ पर जाते हैं। इधर इधुन मरिया और फिलिप को उन्हें कमरे में ले जाती है और उसके बाद ही उसके पास फोन आता है, जो उसके बेटे या बेटी ने किया होता है। जेकब और क्रिश्चियन सभी सुरक्षा तकनीकों को पहन करके द्वार के अंदर घुसते हैं और अपने ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं। वो वायर्स को निकाल के चेक करते हैं और उन्हें पता लगता है कि वायर्स कट चुके हैं। क्रिश्चियन अपने ऑफिस वापस आता है और अपने बॉस अरविंद से बोलता है कि वो ये कुदरती घटना नहीं है और वहाँ हर तरह की मूवमेंट हो रही है। अरविंद कहता है कि वो इसका हल ढूंढ लेंगे और वो और भी होश करेंगे। क्रिश्चियन बताता है कि वो लोग यहाँ पे एक 80 मीटर ऊंची वेव की बात कर रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट में पूरा ग्रिंगर खत्म हो सकता है। अरविंद कहता है कि वो सब नतीजे से वाकिफ है, परमिट टूरिस्ट सीजन होने की वजह से रेड बटन नहीं दबा सकते और वो येलो अलर्ट चालू करने को कहता है और बोलता है कि वो 24 घंटे पहाड़ पर नजर रखेंगे। क्रिश्चियन भड़कने लगता है, पर मार्गरेट उसे शांत कराती है और समझाती है कि उन्हें शांति से काम लेना होगा। अरविंद कहता है कि उन्हें सिर्फ कुछ कटे हुए वायर्स मिले हैं
और उससे कोई सबूत नहीं जिससे ये पता चले कि कुछ होने वाला है। और फिलहाल पहाड़ शांत है। क्रिश्चियन अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और जब वापस कार में आता है तो उसके बच्चे वहाँ नहीं होते और कार पे एक नोट लगा रहता है। अगले सीन में क्रिश्चियन होटल पहुँचता है और अपने बच्चों से माफी मांगता है। इधुन सबके पास आती है और उस पर गुस्सा आती है कि वो कैसे अपने बच्चों को कार में अकेला छोड़ के घंटों गायब रह सकता है। वो कहती है कि अब वो वहाँ काम नहीं करता तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद इधुन बच्चों से कहती है कि उन्हें आज रात होटल में ही रुकना होगा और क्रिश्चियन को कल पक्का जाने के लिए कहती है। जूलिया बोलती है कि वो अपने घर को एक आखिरी बार बाय बोलना चाहती है। इस पर क्रिश्चियन उसे घर ले चलने के लिए मान जाता है और वो दोनों कार में चलने लगते हैं। कार में बैठने के बाद जूलिया क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या उसका रिदून का डिवोर्स हो रहा है। इस पर क्रिश्चियन हंस के कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, उनके बीच बस छोटा सा झगड़ा हुआ है और कुछ नहीं, वो फिर से पक्का दोस्त बन जाएंगे। इधर रिदून सौंदर्य को एक कमरा देती है और उसे हर चीज के बारे में बता के वापस रिसेप्शन पे चली जाती है। क्रिश्चियन और जूलिया अपने घर पहुंच जाते हैं और क्रिश्चियन उनके लिए एक मैट्रेस निकाल देता है और अपने लिए एक चेयर। वो जूलिया को सुला देता है और फिर एक ग्लास में ड्रिंक बना के खिड़की के सामने चेयर पे बैठ जाता है। वो इधुन को माफी मांगने के लिए मैसेज भेजता है पर वो कुछ रिप्लाई नहीं करती। इधर जेकब अरविंद से कह रहा होता है कि उसे क्रिश्चियन के लिए बुरा लग रहा है और उसे नहीं लगता कि नई जगह में वो ज्यादा दिन टिक पाएगा। अरविंद कहता है कि वो एक साल में ही वापस आ जाएंगे क्योंकि जिन्हें पहाड़ों की आदत हो जाती है वो उनसे दूर नहीं रह पाते। अगले सीन में दिखाते हैं कि हर जगह शांति का माहौल है। इधर होटल में सौंदर्य रूम में बोर होने लगता है और इसलिए वो बेसमेंट एरिया में हेडफोन्स लगा के स्केटिंग करने निकल जाता है। इधर ऑफिस में जॉर्ज कंप्यूटर रीडिंग को देखता है और तेजी से मार्गरेट के पास जाता है और उसे जगाता है। इधर क्रिश्चियन की नींद अचानक से खुल जाती है। मार्गरेट अरविंद और जेकब के पास कॉन्टेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि उन्हें डेटा मिला है जो दिखा रहा है कि क्रिविक्स कॉन्टेक्ट कर रही है। अरविंद के असहमत होने पर जॉर्ज बताता है कि बहुत से कंसर्न्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अरविंद उन्हें पूरी रो को रिकैलिब्रेट करके रीडिंग्स चेक करने को कहता है। वो जेकब को उठाता है और मार्केट से कहता है कि वो पहाड़ पर जाकर चेक करते हैं। क्रिश्चियन अपनी बालकनी में खड़ा होता है और पहाड़ों को देख रहा होता है। अगले सीन में अरविंद और जेकब पहाड़ की दरार में पहुंच चुके होते हैं और इधर क्रिश्चियन मार्गरेट को कॉल करता है और पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। मार्गरेट उसे बताती है कि कुछ सेंसर्स अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्रिविक्स कॉन्टेक्ट कर रही है पर शायद ये कुछ एरर है। इसलिए अरविंद और जेकब कॉन्ट्रैक्शन चेक करने गए हैं। मार्गरेट उसे कहती है कि वो चिंता ना करे और वो उसे अपडेट करती रहेगी। इसके बाद क्रिश्चियन अपने ट्रक में कुछ ढूंढने लगता है। इधर मार्गरेट अरविंद और जेकब से कॉन्टेक्ट में रहती है और उन्हें बताती है कि एक सिस्मिक एक्टिविटी दिख रही है जिसे अरविंद और जेकब ने भी महसूस किया। जॉर्ज बताता है कि C6 में रीडिंग -0.8 आई है। क्रिश्चियन अपनी ट्रक से कुछ फाइल्स निकालता है और वो आसमान में दिखता है कि बहुत से पक्षी एक साथ पहाड़ से दूर उड़ रहे हैं। इधर अरविंद C6 से डेटा मांगता है तो जॉर्ज बताता है कि एक घंटे पहले रीडिंग -2.6 थी। अरविंद वहां चेक करके बताता है कि कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म है और जेकब C7 चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। क्रिश्चियन फाइल्स चेक करता है और मार्गरेट को कॉल करके अरविंद और जेकब को तुरंत दरार से बाहर निकलने के लिए बोलता है। मार्गरेट अरविंद को क्रिश्चियन के साथ लाइन पे लेती है और क्रिश्चियन अरविंद को बोलता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसे रोककर तुरंत बाहर निकले। अरविंद कहता है कि उसका काम ऑलमोस्ट हो ही गया है पर क्रिश्चियन बताता है कि उसने अभी चेक किया है, ये कॉन्ट्रैक्शन रॉक स्लाइड के पहले की है, दरारें बढ़ने की जगह और सिकुड़ गई हैं और उन्हें जल्दी वहां से निकलना चाहिए। अरविंद क्रिश्चियन की बात मान के जेकब को निकालने के लिए बोलता है पर तभी पत्थर गिरने लगते हैं और जेकब का पैर फंस जाता है। जॉर्ज बताता है कि हर जगह ग्राउंड वाटर सिंक कर रहा है और उनका कॉन्टैक्ट टूट रहा है। इधर दरारें तेजी से सिकुड़ रही होती हैं पर अरविंद वहां से निकलने के बजाय जेकब का पैर निकालने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है। क्रिश्चियन और अरविंद मार्गरेट से रेड अलर्ट पे जाके अलार्म बजाने को कहते हैं और वो अलार्म बजा देती है। इधर दरारें सिकुड़ना अचानक से रुक जाते हैं और अरविंद अपने जिपलाइन को जेकब से कनेक्ट कर देता है। फिर अचानक से बहुत सा पत्थर गिरने लगते हैं और अरविंद उसमें अंदर गिर जाता है। सुनामी उठने लगती है और कंप्यूटर्स में 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इधर जूलिया अलार्म से उठ जाती है और क्रिश्चियन अपनी वॉच में 10 मिनट का टाइमर लगा के उसके साथ कार से निकलता है। जमीन हिलने लगती है। होटल में वाइफ के इधुन के पास आती है और इधुन बताती है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट है और इसमें उन्हें सभी लोगों को होटल से निकालना होगा। क्रिश्चियन कॉल कर रहा होता है पर कहीं फोन नहीं लग रहा होता। इधुन सबको बाहर निकाल रही होती है और बताती है कि रॉक स्लाइड होने वाला है। इधुन क्रिश्चियन को कॉल करती है और उसको जूलिया के साथ सेफ जगह पर निकालने के लिए बोलती है। वो कहती है कि उन दोनों को डायरेक्ट ग्रिंगस से बाहर निकालना चाहिए, यहां उनके लिए बस है और वो उससे आ जाएगा। क्रिश्चियन उसकी बात मानता है और बाहर निकलने के लिए कार बढ़ाता है। इधर इधुन होटल से सबको बाहर निकाल रही होती है। वो नीचे आती है तो विवेक बताती है कि ड्राइवर बस ले जाने से मना कर रहा है। इधुन उसे बताती है कि यहाँ एक भयंकर सुनामी आने वाला है और उन्हें सी लेवल से 80 मीटर ऊंचाई पर जाना होगा और वक्त बहुत कम है। वो मान जाता है और सब बस में चढ़ने के लिए जाने लगते हैं। इधुन देखती है कि सौंदर कहीं नजर नहीं आ रहा और वो उसे ढूंढने के लिए अंदर भागती है। इधर क्रिश्चियन जहाँ में फंसा होता है वो देखता है कि सिर्फ 4 मिनट और 35 सेकंड बचे हैं और वो लोग 47 मीटर ऊंचाई पे हैं। वो जूलिया को बाहर निकालता है और बोलता है कि अब उन्हें आगे भागना होगा। इधर इधुन सौंदर के रूम में जाती है पर वो वहां भी नहीं होता, ना ही उसका कॉल उठ रहा होता है। क्रिश्चियन सबको गाड़ी से निकाल करके ऊपर
पर भागने के लिए बोलता है। इधर विवेक सबको बस में बिठा रही होती है। इधर विवेक के पास आके पूछती है क्या उसने उसके बेटे को देखा है। विवेक बताती है कि शाम को उसने हॉल में देखा था। इधर उन्हें जाने को बोलती है और कहती है कि वो अपने बेटे के बिना नहीं जा सकती और अंदर भागती है। मरिया और फिलिप भी सौंदर्य को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं। इधर क्रिश्चियन ऊपर की तरफ भाग रहा होता है और सबको बोल रहा होता है। तभी उनकी पड़ोसी अन्ना दो कार के बीच फंस जाती है। ये देख के क्रिश्चियन जूलिया को अन्ना के हस्बैंड थॉमस और बेटी थेरेसा के साथ ऊपर भागने को बोलता है और खुद गाड़ी पीछे करके अन्ना को निकालता है। सुनामी बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देख के वो अन्ना के साथ एक वैन में बैठ जाता है और सुनामी आ जाती है और पूरी वैन में पानी भर जाता है। इधर इधुन सौंदर्य को पूरे होटल में ढूंढ रही होती है। मरिया और फिलिप भी उसके पीछे होते हैं। फिलिप मरिया को रोकता है और तभी मरिया को बेसमेंट से आवाज आती है और इधुन जाके देखती है कि सौंदर्य वहां स्केटिंग कर रहा है। वो उसे लेके बाहर भागती है पर बस निकल चुकी होती है और सुनामी उनके तरफ बढ़ रही होती है। वो चारों होटल के अंदर भागते हैं पर पानी तेजी से होटल में घुस जाता है और मरिया उसमें बह जाती है। इधुन सौंदर्य और फिलिप बेसमेंट के एक शेल्टर में होते हैं और इधुन और सौंदर्य किसी तरह वहां का दरवाजा बंद कर देते हैं और वहां की लाइट चली जाती है। इधर क्रिश्चियन की आंख खुलती है। वो अपने आप को गाड़ी में उल्टा पाता है और उसके बगल में एना मर चुकी होती है। वो किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके आसपास सभी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। इधर ऑफिस में मार्गरेट के पास जैकब का कॉल आता है और अरविंद का पूछने पर जैकब रोने लगता है। ईवी समझ जाती है कि अरविंद नहीं बचा। इधर क्रिश्चियन जूलिया को आवाज लगा के ढूंढ रहा होता है और उसे वो सही सलामत मिल जाती है। थॉमस उसे एना के बारे में पूछता है पर क्रिश्चियन के पास कोई जवाब नहीं होता। क्रिश्चियन इधुन को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर कॉल लगता नहीं है। एक आदमी को फोन से बात करता देख वो उसे फोन मांगता है और एक टूरिस्ट बस का पता करता है और उसे पता चलता है कि वहां कोई बस नहीं आई है। जूलिया उसके पास आती है और पूछती है कि इधुन और सौंदर्य कहां है। इस पर क्रिश्चियन कहता है कि वो थॉमस और तेरेसा के साथ रहे। वो उसकी मां और भाई को ढूंढने जा रहा है। वो उसे थॉमस के पास छोड़ के निकल जाता है। इधर इधुन और सौंदर्य जैसे ही दरवाजे का हैंडल नीचे करते हैं अंदर पानी आने लगता है। फिर वो दोनों किसी तरह वापस दरवाजा बंद करते हैं। वो ऊपर का सेक्शन खोल के देखती है पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी पानी के दबाव की वजह से गेट खुलने लगता है और शेल्टर में पानी भरने लगता है। फिलिप पैनिक करने लगता है और इधुन पे चिल्लाने लगता है। इधुन वेट करने को कहती है और बोलती है कि प्रेशर कम होने पे वो दोबारा निकलने का ट्राई कर सकते हैं। इधर क्रिश्चियन बोट से शहर की तरफ आता है और देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। वो किसी तरह होटल की टूरिस्ट बस को खोजता है। उसके अंदर सभी लोग मर चुके होते हैं। वो देखता है कि विवेक भी मर चुकी है लेकिन उसे कहीं पे भी इधुन और सौंदर्य नहीं दिखते। वो बस से बाहर निकलता है और होटल की तरफ बढ़ता है। शेल्टर के अंदर पानी गले तक आ चुका होता है और इधुन और सौंदर्य पानी के अंदर जाके दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर वो खुलता नहीं है। फिलिप बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और सौंदर्य को दबाने लगता है। उसे रोकने पर वो इधुन को भी पानी में अंदर करने लगता है पर वो किसी तरह ऊपर आती है और सौंदर्य को बचाने के लिए फिलिप को डुबा के मार देती है। फिलिप की पकड़ छूट जाती है और सौंदर्य बच जाता है। इधर क्रिश्चियन इधुन और सौंदर्य को आवाज लगाने को होटल में हर जगह ढूंढ रहा होता है। इधर इधुन सौंदर्य को दिलासा दे रही होती है ये सब ठीक हो जाएगा। क्रिश्चियन हर जगह देख रहा होता है। तभी उसे सौंदर्य का बैकपैक मिलता है और वो गुस्से में टॉर्च से पाइप पर मारने लगता है। ये आवाजें सुनकर के इधुन और सौंदर्य भी शेल्टर के छत पर हाथ मारते हैं और आवाज लगाते हैं। इधुन अंदर घुस के एक पाइप लाती है और फिर उसे छत पे मारती है। क्रिश्चियन ये आवाजें सुनता है और उनको ढूंढने के लिए दौड़ता है। इधर इधुन और सौंदर्य की तरफ पानी आने लगता है। क्रिश्चियन बॉम्ब शेल्टर के दरवाजे के पास पहुंचता है और देखता है कि दरवाजा पत्थरों से ब्लॉक्ड है। इधर इधुन भी पानी के नीचे जाके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन पत्थर हटाता है और दरवाजा खुल जाता है और इधुन बाहर निकल आती है। वो उसे जाने के लिए इशारा करता है और सौंदर्य को लेने के लिए जाता है। सौंदर्य और क्रिश्चियन वहां से निकलते हैं पर वो सांस लेने में नाकाम होने लगते हैं। सौंदर्य वहां से निकल के अपनी माँ के पास आ जाता है। फिर इधुन क्रिश्चियन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो उसके पीछे ही थे। इधुन क्रिश्चियन को लेने पानी के अंदर जाती है, उसे बाहर लेके आती है और उसे बचाने के लिए CPR का यूज करती है पर क्रिश्चियन की सांसें वापस नहीं आती। वो कई बार कोशिश करती है लेकिन क्रिश्चियन उठता नहीं है। सौंदर्य भी CPR ट्राई करता है लेकिन वो नहीं उठता। इधुन क्रिश्चियन की आंखें ढक देती है लेकिन सौंदर्य एक आखिरी बार फिर से जोर से क्रिश्चियन का हार्ट पंप करता है और फाइनली क्रिश्चियन के मुंह से पानी बाहर आता है और उसे सांस आ जाती है। वो तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इधर जूलिया अपने परिवार का इंतजार कर रही होती है और उदास होती है। एक हेलीकॉप्टर वहां आता है पर उसमें से कोई अनजान इंसान को निकलता देख वो मायूस जाती है। हेलीकॉप्टर वहां से हटने पर वो देखती है कि क्रिश्चियन इंदूर और सौंदर्य एक साथ उस रोड से आ रहे हैं। उन्हें देख के वो उनके पास दौड़ती है और सब एक दूसरे को गले लग जाते हैं और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी द वे मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और अगर आपको मेरी द वे मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं।